मदरबोर्ड आप देख रहे हैं जो लैपटॉप है वो 430G5 का है और इसका पार्ट कोड है DA0X8BMB6G0। तो इसमें देखिए अभी नो डिस्प्ले कंडीशन में है, डिस्प्ले नहीं आ रहा, ऑन भी है यहाँ से, फ़ैन भी चल रहा है प्रॉपर तरीके से, रैम भी लगी है, सब कुछ कनेक्शन है। तो इसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि नो डिस्प्ले क्यों है, कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो अभी हमें इसमें सिंपल सीमोस बैटरी निकालूंगा, शट डाउन करूँगा सब सिंपल, तो आपको सीमोस रीसेट करके देखना सबसे पहले। तो कुछ समय के लिए हम इसको बैटरी को निकाल देते हैं, ठीक है। देखिए बैटरी निकाल दिया, अब ऑन करेंगे फ्रंट पैनल से। इसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कि कभी कभार क्या इश्यू आता है, तो वेट करते हैं सम टाइम। देखिए डिस्प्ले आ गया है, तो जब ये बैटरी आप लगाएंगे तो रिस्ट कभी डिस्प्ले आएगा कभी नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये है, इसका बहुत सारे रीज़न है, मैं आपको शो करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कुछ आपको कंपोनेंट होते हैं कैपेसिटर, यहाँ पे क्या होता है कि इसके भी वजह से भी लीकी की वजह से भी दिक्कत ये आने लगता है, सीमोस सेंस एरर मैसेज, ठीक है। तो जिसके वजह से आपको ये प्रॉब्लम देखने को फेस करने को मिलता है। तो देखिए अभी हमने इस कंपोनेंट को लीकी कंपोनेंट को चेंज किया और एक बार सीमोस को रीसेट करके देखा, तो डिस्प्ले हमारा आ गया है आपके सामने है जो है। और भी इसके अलावा डिस्प्ले नहीं आता है तो आप अपना एक बार रैम को चेंज करके देख लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम इसको नॉर्मली रिस्टार्ट कर लेंगे, तो एक बार और बंद करके देखते हैं। जब ये डिस्प्ले आ जाएगा तो यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बंद हो गया, ओके, ट्रिप कर गया। और चलते चलते ऐसे ट्रिप कर जाता है रैंडम, तो इसका एक ही मतलब है कि कई बार आपका ओवर हीटिंग होता है, पेस्ट वगैरह ड्राई हो जाते हैं, तो इसके वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। तो आप ज़रूर कूलिंग पेस्ट हीट सिंक निकालिए और चेक करिए और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कई बार हार्ड ड्राइव में भी प्रॉब्लम होता है कनेक्टर या इसके कनेक्टर वगैरह पे, जैसे मॉइस्चर वगैरह आ जाते हैं तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। तो अभी ये पूरा बूट करके दिखा देता हूँ। तो जो देखिए बायोस जो इसमें लगभग ऑलमोस्ट लेटेस्ट है, जो लेटेस्ट इससे लेटेस्ट होगा उसको बायोस भी अपडेट कर सकते हैं या बायोस रिप्रोग्राम करके देख सकते हैं। पहले करंट बायोस का बैकअप लीजिए इनकेस आप लैपटॉप रिपेयरिंग करते हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये बूट कर चुका है सक्सेसफुली। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। हमें इंस्टाग्राम भी फॉलो कीजिए TRCTech से, और ये RBI का है। तो फिलहाल दोस्तों अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।